हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं अपने वीडियो में आपको बताने वाली हूँ न्यू लेसन, लेसन 9, बुलबुल, जो है बुलबुल चिड़िया के बारे में। आज हम बुलबुल चिड़िया के बारे में बहुत सारी नई नई बातें जानेंगे, जिससे आप आसानी से बुलबुल को पहचान पाओगे। तो आप सभी भी मेरे साथ फिंगर रखकर पढ़ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेसन का नाम क्या है? बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। सरल तरीका मतलब आसान उपाय। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलते हुए मिले तो उसकी पूंछ को देखो। बुलबुल की आवाज कैसी होती है? तेज होती है और ये अच्छा गाना गाती है। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। तो बुलबुल के पूंछ के नीचे कैसा रंग होता है? लाल रंग, रेड कलर। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। पूंछ का सिरा मतलब सिरा मीन्स किनारा। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है, व्हाइट कलर का होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। तो उसकी बॉडी जो होती है वो ब्राउन और सर होता है ब्लैक कलर का। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसे भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। तो एक बुलबुल ऐसे भी होती है जिसके सिर पे, देखिए यहाँ पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है, काले रंग की कलगी होती है। तो इसे हम बोलते हैं सिपाही बुलबुल। और हम सिपाही बुलबुल क्यों बोलते हैं? तो जो सिपाही सैनिक होते हैं हमारे, उनके सर पे भी कलगी होती है और इस बुलबुल के सिर पर भी कलगी मीन्स चोटी होती है। तो हम इसे बोलते हैं सिपाही बुलबुल। तो इस तरह आपने बुलबुल के बारे में बहुत सारी बातें जानी। आइए हम कुछ और बातें जानते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। तो बुलबुल का खाना क्या है? वो कीड़े खाती है, छोटे छोटे कीड़ों को। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। ओहो, बुलबुल को तो सब्जी और फल भी काफी पसंद है। अमरूद के बगीचे में या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। तो वो क्यों हमला करती होगी अमरूद और मटर के खेत पर? क्योंकि उसे अमरूद, वावा और मटर पीस काफी पसंद है। जैसे आपके मम्मी पापा कुछ लाते हैं खाने के लिए जो आपको काफी पसंद हो, तो आप अटैक करते हो ना कि मुझे जल्दी जल्दी खाना है। तो वैसे ही बुलबुल भी करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। उसका घोंसला जो होता है नेस्ट, वह कैसे बनाती है? सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। तो पिक्चर में आप देख सकते हो ये कैसा दिखता है, कटोरे जैसा, बोल जैसा। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। देखिए यहाँ कितने अंडे हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अंडों का कलर हल्का गुलाबी रंग होता है, पिंक कलर, लाइट पिंक। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। अगर आप इसे पास से जाकर देखोगे तो इसपे कुछ लाल, रेड, कुछ भूरी, ब्राउन एंड कुछ बैंगनी पर्पल बिंदियां, डॉट्स दिखाई देंगे। तो हमने पढ़ा बुलबुल की आवाज तेज होती है, कुछ बुलबुल के सर पर कलगी होती है जिन्हें हम सिपाही बुलबुल बोलते हैं, और इनके पूंछ के नीचे लाल रंग होता है जिसे हम बुलबुल को इजली पहचान सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम तो आप बुलबुल को पहचान लोगे। आइए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहचानो, इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। गोला लगाओ मीन सर्कल बनाओ। तो कौन है बुलबुल? यहाँ देखिए पिक्चर में ये है बुलबुल, क्योंकि इसके पूंछ के नीचे लाल रंग है। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? मैंने बुलबुल को पहचाना उसके पूंछ के नीचे का लाल रंग देखकर।
और आपको आंसर कंप्लीट होने पे क्या देना है? पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है, बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। तो फर्स्ट पिक्चर में देखिए, फर्स्ट पिक्चर क्या का है सोचिए, ये है मुर्गा और इसके सिर पर होती है लाल रंग की कलगी। नेक्स्ट है मोर। मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है, नेशनल बर्ड। तो मोर के सिर पर कौन सी कलगी होती है, किस रंग की, आप देखना नेक्स्ट टाइम, हरे रंग की कलगी होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कलगी का रंग हरा। तो इस तरह हमने लेसन एक्सप्लेन किया, समझा लेसन को और क्वेश्चन आंसर किया। कुछ क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज वो भी आप मुझे दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।